नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो है आपकी UPSC आयोग के द्वारा RO और ARO की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। ये वैकेंसी जल्दी अनाउंस होने वाली हैं और यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन अगर लेना चाहते हैं टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल और ये पेड क्विज को भी खुद अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, इस प्लीज सीरीज को पूरे तरीके से फॉलो कीजिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो करवाए जाते हैं जो आपके में सीधे या फिर इंडायरेक्टली रूप से देखे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार महामारी, प्राकृतिक आपदा तथा युद्ध को क्या माना जाता है ना, या किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए माल्थस की थियरी जो आप ये पॉपुलेशन से संबंधित पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले तो यही ध्यान दीजिएगा कि माल्थस का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ से संबंधित है, जनसंख्या से। मुख्य रूप से ये दो प्रकार की बातें करते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से होती है, यानी कि कैसे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ठीक है। परंतु जो उसी जनसंख्या के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं या जो अन्य संसाधन है कह लीजिए, है ना, उसकी उत्पादकता में या उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय रूप से, ये आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ा होगा, तो अंकगणितीय रूप से होती है, यानी कैसे, एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस प्रकार से। ठीक, तो जाहिर सी बात है देखिए कि पॉपुलेशन के रेफरेंस में रिसोर्सेज जो है वो कम है, तो उसी में यहाँ पे अब एक रिलेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि आपका जो ये होगा, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो बैलेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड जो सप्लाई हो रही है, यानी यही रिसोर्सेज की बात करें तो उस पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई का जो बैलेंस है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। एक दो प्रकार के मेथड्स इन्होंने दिए, प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक। ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पे थोड़ा इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़िएगा। प्रिवेंटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव चेक में आते हैं आपके ये महामारी, प्राकृतिक आपदा तथा युद्ध। ठीक, नेक्स्ट है किसको जनसंख्या पर निबंध 1798 में एक इन्होंने टाइटल से एक कृति में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया, उसका श्रेय किसको जाता है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। टाइटल है उस वर्क का कह लीजिए एसे ऑन पॉपुलेशन 1798, तो ये माल्थस की थियरी वाला जो है ना उसके बारे में ही है। थोड़ा इस चीज़ को डिटेल में पढ़िएगा, कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें दो स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है देख लेते हैं, गलत पूछा गया है या सही, प्लीज़ बहुत ध्यान से देखा करिए। मैं लगातार आपसे ये चीज़ पूछता हूँ, आपके क्वेश्चंस जो है चूंकि इस वजह से गलत हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है और सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ये ठीक हैं। ठीक है, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है, सांगला घाटी कहाँ पर है जरा ये हमको आप कॉमेंट करके बताइएगा। तो अब यहाँ पे हमारे भारत में मैंगनीज उत्पादक कुछ क्षेत्र हैं और संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे आपका जो ये है श्रीकाकुलम, विकल्प बी में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, ये दो स्थल हैं जो मुख्य रूप से मैंगनीज उत्पादन से संबंधित है आंध्र प्रदेश में। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक हैं, इनको देख लीजिए। दो स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई और ये देश में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के तरीके इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे अभ्रक के निक्षेप पाए जाने की अगर बात करें तो जैसे कर्नाटका में मैसूर व हासन जिले में, फिर साउथ की अगर हम और बात करें तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, ठीक है, मदुरई हो गया, कन्याकुमारी हो गया, ठीक है, फिर इधर महाराष्ट्र में रत्नागिरी वगैरह में काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे हमारे ये माइका के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र फिर से कुछ हैं और राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, नागपुर, रत्नागिरी, ये सब मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं, ये वाला गलत है। अब बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कालाहांडी किस राज्य में है, बॉक्साइट के जो क्षेत्र जैसे ये ओडिशा का एक स्थल है कालाहांडी और इसके अलावा संबलपुर भी है यहाँ पे है, ठीक है, ये भी फेमस है।
दो स्टेटमेंट फिर से है, सही को देखना है। तो अभ्रक भारत में मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है, तो ये ठीक है। अग्रणी जो ये राज्य हैं जहाँ पे इसकी उपस्थिति है ना इसके निक्षेपों की, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और राजस्थान में अभ्रक के निक्षेप जो है अजमेर का जो एरिया है वहाँ के आसपास पाया जाता है, तो ये बात भी यहाँ पे ठीक है। अच्छा जरा हमको आप ये बताएं कि कौन सा राज्य जो है ये अभ्रक का सबसे टॉप प्रोड्यूसर है, ये जरा कमेंट करिए। अब इसमें फिर से देखें क्या सही नहीं है। गोल्ड की बात करेंगे, हट्टी सोने की जो खान है रायचूर कर्नाटक में स्थित है, तो ये ठीक बात है। और यहाँ कर्नाटक में ही कोलार की जो माइंस है वो काफ़ी फेमस है, ठीक मैसूर में। और दूसरा स्टेटमेंट है रामगिरी सोने की खान अनंतपुर तेलंगाना में स्थित है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अनंतपुर में है तो ये रामगिरी सोने की जो खदान है, लेकिन ये उसमें है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब है 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो ये लैटिट्यूड वाले हमने पहले भी देखे थे कि जैसे 8 डिग्री 9 10 ये सब पूछे जाते हैं, तो 8 डिग्री किसको सेपरेट करता है, मालदीव और इंडिया, तो इंडिया में क्या मिनिकॉय, ठीक ये करेक्ट हो जाएगा। इनको देखिए मैप में लोकेट करेंगे जब तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। हिमालय का कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है, लोकेशन वाइज देखेंगे तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, धौलागिरी है ना नेपाल में हो जाएगा, ठीक। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सांगला वैली जो उत्तराखंड लिखा है ये गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में सांगला वैली है, इसी को बसपा वैली कहा जाता है, अभी आपसे ऊपर पूछा था, ठीक। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ स्थित है, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। अब इसमें फिर से क्या सुमेलित नहीं है, हमारे पास कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु लिखा है सी ऑप्शन में, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसके लोकेशन की बात करें तो ये जोरहाट में स्थित है असम राज्य में, ठीक। इसकी स्थापना की बात कर लें थोड़ी सी तो 1988 में इसको जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मुख्य रूप से जो आपका कह लीजिए रेन बेस्ड फॉरेस्ट्री है उसके कुछ रिसर्च पर्पज से इस्टेब्लिश किया गया था, भारत सरकार के अंतर्गत है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। बाकी के दो ऊपर के ऑप्शन जो है ये फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून में है, एरिड वाला जोधपुर में है। फिर से हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं और लोकेशन सुमेलित क्या नहीं है, तो इसमें अगर देखें तो इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है ना, ये जो होगा रांची में है, ठीक झारखंड। इसमें देखें क्या सुमेलित नहीं है, 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसको सेपरेट करता है। गंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है, तो चंबल जो है यमुना से एसोसिएटेड है, ठीक है ये हो जाएगा। बाकी की जो है ये सब आपकी इससे गंगा रिवर से मतलब उसकी सहायक नदियां हैं। दिबांग लोहित सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ये सब ब्रह्मपुत्रा की सहायक हैं, कई सारी उसमें ट्रिब्यूटरीज हैं, पूरी लिस्ट देख लीजिएगा एक बार, ठीक। सतलज रावी चनाब सिंगी ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसकी इंडस की है ना सिंधु नदी। इसके अलावा जैसे शोक शिगार है ना गिलगित ये सब कई नदियां हैं। अब इसमें देखें भारत का राष्ट्रपति जो लिस्टिंग है वो लिखी हुई है, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है, यानी एक्टिंग की मान लीजिए कोई परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं है, है ना, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी ने कार्य किया है 1969 के दौरान, है ना। फिर उसी टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कार्य किया है और बी डी जत्ती ने कार्य किया है, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये बेसिकली प्रेसिडेंट थे 1974 से 77 तक, ठीक। उन्हीं की मृत्यु के बाद बी डी जत्ती ने जो है यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। इसमें से कौन सा व्यक्ति कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा, यानी कि लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, बलराम जाखड़, रवि राय, रंगनाथ मिश्र नहीं थे, ठीक है। अगर रंगनाथ मिश्र की हम बात करें तो ये भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक 1990 और 91 के मध्य। इसमें देखें कौन से प्रधानमंत्री जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए, ठीक है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लीजिए, तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद 1964 में गुलजारीलाल नंदा बने, और फिर जो है इसमें शास्त्री जी के निधन के बाद भी बने थे 66 में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो त्र्यंबक पहाड़ी या त्र्यंबकेश्वर
इसको कह लीजिए नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, नाथूला दर्रा तथा जिलेपला दर्रा किस घाटी में स्थित है? तो बेसिकली हिमालय में देखेंगे सिक्किम का जो एरिया है ना, सिक्किम और ये आपका ये बगल में जो भूटान है, तो यहाँ की जो वैली है चुंबी वैली कहते हैं इसको, ठीक। तो यहीं पे इन जो ये हमारे दोनों पासेस हैं इसकी लोकेशन है। तो अब अलग से ये भी पूछा जाता है कई बार कि नाथूला पास किस स्टेट में है, तो सिक्किम याद रखिएगा और यहाँ पे वैली जो है चुंबी वैली, चिकन नेक वाला जो एरिया है। थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा मैप में हो सके तो। नेक्स्ट है, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा इसमें से किस खाद्य वस्तु में पाई जाती है? तो सब जितने भी सोर्सेज हैं, सोयाबीन जो होता है ना, सोया चंक्स सबसे ज़्यादा सोर्स होता है उसमें प्रोटीन का। दो स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है? तो मिल्क यानी दूध की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हम जैसे भैंस के दूध का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी कैसीन की उपस्थिति के कारण जो दूध का कलर है वो वाइट प्रतीत होता है आपको, ठीक। तो यहाँ से हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। अब है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब गाय के दूध का एग्जाम्पल लेंगे, तो गाय के दूध का रंग कैरोटीन के कारण पीला होता है। तो अगर आपने खुद इस चीज़ को देखा हो, गाय का दूध है ना, तो हल्का पीलापन आपको उसमें दिखता है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कैरोटीन के कारण ये पीला होता है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? दो प्रकार के विटामिन हमने आपको पहले बता रखे हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में, सॉरी पहले वाटर वाला देख लेंगे, तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी आते हैं, इसके अलावा जितने होंगे वो फैट सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे बी और सी वसा में लिखा था, तो इसी वजह से ये गलत है। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? हमने पहले बता रखा है आपको कि केमिकल नेम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या फिर उसको केमिकली नाम देकर के आपसे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी टू का नाम होता है, ठीक। विटामिन बी का जो है बी ट्वेल्व तक के जितने भी नाम है प्लीज एक बार देखिएगा, इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए गोल्डन चावल, गोल्डन राइस की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी आयोग इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। बेसिकली एक प्रकार का मॉडिफाइड राइस है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, ये बीटा कैरोटीन जो कि नॉर्मली आप जो सामान्य चावल बनाते हैं उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये गोल्डन राइस को डेवलप किया गया है उसमें बीटा कैरोटीन नाम का जो है आपको, जो आप जब ये चावल खाएंगे, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन आपको इससे प्राप्त होगा, जो कि आपके बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे तो वो कन्वर्ट होगा विटामिन ए में, ठीक। तो इस वजह से ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो बॉडी में उसको पूरा करने में काफ़ी हेल्पफुल है ये गोल्डन राइस, तो ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। और वही आगे लिखा है कि विटामिन ए बॉडी को प्रतिरक्षा यानी कि जो इम्यूनिटी है वो प्रदान करता है, और आपकी आँखों के लिए विशेषकर जरूरी है, ये बात आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, ठीक। तो दोनों बातें ठीक हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेटमेंट हैं, और कौन सा सही नहीं है? तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो कि लाइपेज है, यकृत के द्वारा स्रावित होता, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इसका श्रवण की अगर हम बात करें तो अग्नाशय से होगा ये, ठीक है, आपके पैनक्रियाज से, तो ये हमारा गलत है। बाकी के दो अन्य विकल्प जो है वो ठीक हैं। अब इसमें से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो इसमें थायरोक्सिन बेसिकली हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड से है ना सिक्रेट होता है, क्या है ये, हार्मोन है। विज्ञान की शाखा ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये हमारा जूलॉजी की एक ब्रांच होती है जो कि स्टडी ऑफ बर्ड से संबंधित है, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन होता है इसमें। जीव विज्ञान की शाखा मैमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यहाँ पे ये स्टेटमेंट इंग्लिश में नहीं है लेकिन फिर भी ये समझ जाएंगे आप। तो कुल मिला के यहाँ पे जो स्टडी ऑफ मैमल्स होता है दैट इज नोन एज मैमोलॉजी। अब इसमें है क्या सुमेलित नहीं है? स्टडीज़ हैं कुछ है ना, हिमाटोलॉजी जो डी ऑप्शन में लिखा है, ये हमारा जो स्पेशली ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उससे संबंधित है, ठीक। अब फिर से देखिए क्या सुमेलित नहीं है, तो
इसमें मायोलॉजी जो है ये बेसिकली हमारा साइंटिफिक स्टडी होता है किसकी, ह्यूमन बॉडी की, जो हमारी जैसे मसल्स हैं तो मसल का स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शंस, इन सब चीज़ों की स्टडीज में होती है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं और लोकेशन लिखा हुआ है तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कोलकाता लिखा है, ये न्यू दिल्ली में है। फिर से हमारे पास तीन इंस्टीट्यूट्स हैं और लोकेशन कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पे तीनों हमारे ठीक हैं, इनको देख लीजिए, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ये हैदराबाद में है। बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये इंस्टीट्यूट्स पूछे जाते हैं, इनकी पूरी लिस्टिंग आप देखिएगा एक बार जरूर, लखनऊ में ये भी है। इंसुलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, बेसिकली आविष्कार टर्म यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने खोज की और बताया, तो ये आप हार्मोन जो पढ़ते हैं इंसुलिन, तो फ्रेडरिक बैंटिंग है ना, फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग जो है इनका नाम था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इन्होंने अराउंड जो है 1921 के आसपास जो है इसके बारे में जानकारी दी सबसे पहली बार। इसमें देखें आविष्कार तथा आविष्कारकर्ता से संबंधित युग्म सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो पोलियो की वैक्सीन को डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, जोनास साल्क, ठीक, रॉबर्ट कोच गलत था। अब इसमें देखें कौन सा युग्म गलत है, हमारे ह्यूमन बॉडी से संबंधित कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इसमें संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन यानी कि जो हमारे पूरे बॉडी में है ना ब्लड एज अ वॉल्यूम हम देखें तो ये 5 से 6 लीटर ही होता है, 8 से 9 लीटर नहीं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सबसे बॉडी में कह लीजिए लार्जेस्ट माना जाता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी। अब इसमें देखें कौन सा कथन सही नहीं है, तो मानव के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम लगभग होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये जो है हाँ 1400 ग्राम के आसपास जो है इसका वजन होता है, ठीक, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आपको बता देंगे, जैसे अगर मानो एक पूरा जैसे है ना ह्यूमन की बात की जाए तो 1400 ग्राम के आसपास अगर पूछे तो बेसिकली ये जो रेंज होती है ना 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होती है, ठीक। इन पर्टिकुलर बात करें तो जैसे जो पुरुष होता है उसका ब्रेन लगभग 1350 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो ये लगभग 1200 ग्राम ही होता है, ठीक, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना है। सेकंड है सर्वदाता रक्त समूह ए बी समूह है तो, और सर्वग्राही रक्त समूह ओ है तो ये आपस में इंटरचेंज किए हुए हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। इसमें से कौन सी सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका है, ह्यूमन बॉडी में देखेंगे जैसे ये ल्यूकोसाइट्स के क्लास में तो सबसे बड़ा मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा इनके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का, मानव शरीर से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है पैर की है ना, स्मॉलेस्ट जो होती है स्टेपी कान में, स्मॉलेस्ट मसल है ना स्टेपिडियस, और क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या 13, ये वाला गलत है, ठीक है, ये कितनी होती है जरा आप ये हमको कॉमेंट करके बताइए, तो क्रैनियल नर्व्स की संख्या, ठीक, और इस वीडियो को हम सीरीज़ को आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।